नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल नवीन लॉ लाइव पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी में जो है ना, बहुत ही एक जो है दो टर्म आता है, इम्पोर्टेंट टर्म होता है, जो जो क्राइम जो है ना होता है उससे रिलेटेड है। क्राइम जो है ना वो किस तरह के जो है ना ऑफेंस में आते हैं, जो ना कुछ व्यक्ति जो है ना क्राइम करते हैं, तो उसका क्राइम का कैटेगोराइज किया गया है। मींस क्राइम को डिवाइड किया गया है दो टर्म, जो है वो ऑफेंस जो है ना वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मींस क्राइम जो है ना वो यहाँ पे ऑफेंस में जो है ट्रीट किया गया है, और ये ऑफेंस जो है किस तरह का ऑफेंस होता है, ये जो है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसी के बेसिस पे उनको जो है ना पनिशमेंट मिलती है, और उसी के बेसिस पे उनका कोर्ट में ट्रायल भी चलता है। और उस जो है जिस कैटेगरी का उनका ऑफेंस होगा, उसी कैटेगरी के अनुसार में रूल प्रोविजन के अनुसार में या रूल्स के अनुसार में जो सीआरपीसी में दिया गया है, पुलिस उस पर एक्शन लेती है। तो इस वीडियो में वही हम लोग देखेंगे कि जो है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंसेज है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का आपको जो है ना इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलता है। तो अब स्टार्ट करते हैं जो है ना वीडियो। वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मीन्स ऑफेंस जो है दो भाग में जो डिवाइड किया है गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसमें क्या डिफरेंसेज है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ना सीआरपीसी का सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में डिफाइंड किया गया है। इसको जो है ना सीआरपीसी में कहा गया है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन सी ऑफ सीआरपीसी 1973 सेज द कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केसेस आर दोज अंडर विच पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अरेस्ट वारंट। मीन्स सीआरपीसी का जो है ना जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में जो है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है कि ऐसे ऑफेंस या ऐसे केस जिसमें जो है ना पुलिस जो है विदाउट अरेस्ट वारंट जो है ना एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। दूसरा इसमें जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंस विच आर सीरियस इन नेचर। मींस कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ना सीरियस इन नेचर होता है, इसलिए सोसाइटी के लिए में जो है ना जो ऑफेंस होता है और एक्यूज के द्वारा, ये बहुत ही हीनियस काइंड के होते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, मर्डर है, रेप है, डाउरी डेट है, किडनैपिंग है, थेफ्ट है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, अननेचुरल ऑफेंसेज है। इस तरह के क्राइम जो होते हैं वो जो है हीनियस क्राइम होते हैं, सीरियस काइंड ऑफ क्राइम होते हैं। तो इस तरह का क्राइम को जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर रखा गया। फिर सेक्शन जो है 154 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत जो है ना इसमें एफआईआर दर्ज करने का प्रोविजन रखा गया है, और इस तरह का एफआईआर दर्ज होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ना, एक कंप्लेंट जो है ना किस तरह से कंप्लेंट करेंगे, जो भी विक्टिम है वो किस तरह का विक्टिम हो या फिर विक्टिम का रिलेशनशिप में जो भी आते हैं उसके फैमिली मेम्बर, वो जो है ना अगर कंप्लेंट करते हैं तो उनका 154 ऑफ सीआरपीसी में प्रोविजन दिया गया है। एक कहता है कि सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड दैट अंडर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और ए केस द पुलिस ऑफिसर हैज टू रिसीव द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस विच कैन बी विदाउट द मजिस्ट्रेट परमिशन एंड एंटर इट इन द जनरल डायरी एंड इमीडिएटली स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। मीन्स 154 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो रिपोर्ट होती है कोई करता है, जो विक्टिम है या फिर जो है ना उसका रिलेशनशिप में जो आते हैं, वो जब पुलिस को जो रिपोर्ट करेगा तो वो विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट वो जनरल डायरी में उसको एंटर करेगा, और फिर जो है ना इमीडिएट जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा।
जो है ना। तो इस तरह से मेनली हम लोग तीन जो है ना कैटेगरी तीन पॉइंट देखा कि कॉग्निटिव ऑफेंस में ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जो ऑफेंस को ये जो यहाँ पे अदर ऑफेंस जो होते हैं वो जैसे नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस होते हैं उसे जो ना ये सेपरेट करता है कॉग्निटिव ऑफेंस को। अब जो है ना हम लोग नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस देखते हैं। नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस जो है ना सेक्शन टू सब सेक्शन जो है ना आई ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन किया गया, और ये कहता है जो है ना सेक्शन टू सब सेक्शन वन सब सेक्शन आई ऑफ सीआरपीसी से दैट नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस और केसेस आर दोज व्हिच आर व्हिच ए पुलिस ऑफिसर कांट अरेस्ट विदाउट ए यू नो वारंट। मींस कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जो है जिसमें पुलिस जो है ना विदाउट जो है वारंट किसी व्यक्ति जो है ना एक्यूज को नहीं अरेस्ट कर सकती है। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन टू सब सेक्शन आई ऑफ सीआरपीसी में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस आर दोज विच आर नॉट मच सीरियस इन नेचर। मीन्स नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस जो होता है ये जो है सीरियस नेचर के नहीं होते हैं। मीन्स ये जो है ना बहुत ही नॉर्मल काइंड का ऑफेंस होते हैं, और ये जो है ना जैसा कि हम लोग देखा कि कॉग्निटिव ऑफेंस में हीनियस काइंड के जो नेचर होते हैं सीरियस काइंड के जो नेचर होते हैं उसको जो है ना और डिफाइन किया गया। लेकिन यहाँ पे जो है ना नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में ऐसे क्राइम को रखा गया है जिसमें जो है ना नॉर्मल काइंड के जो है ऑफेंस होते हैं सोसाइटी में जो है। तो जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं असॉल्ट है, चीटिंग है, फॉर्जरी है, डिक्रिमिनेशन है, इस तरह के काम जो है ना ऑफेंस को यहाँ पे नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में रखा गया है। अब जो है ना इसका जो है ना रिपोर्टिंग जो है ना सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी में रख दिया गया है, और इसमें मैं इसका स्पष्ट जो है ना क्लियर करता है कि सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी की जो है ना ए नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस और केस द पुलिस ऑफिसर कांट रिसीव या रिकॉर्ड एफआईआर अनलेस ही ऑब्टेन प्रायर फ्रॉम परमिशन फ्रॉम द रजिस्टर्ड। मींस यहां पे 155 में जो है ना क्लियर किया गया है जो सीआरपीसी का सेक्शन है कि पुलिस जो है ना इस एफआईआर को जो है इसमें जो है और इस तरह के केस में जो है पुलिस डायरेक्टली एफआईआर दर्ज नहीं कर देगी, ना ही जो है ना ये विदाउट परमिशन ऑफ जो है ना ये मजिस्ट्रेट जो है ना ये एफआईआर दर्ज करेगी जो है ना। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो है ना ये यहाँ पर केवल जो है ना पुलिस को यहाँ पे नोटिस दिया जाता है, मीन्स यहाँ कंप्लेन किया जाता है। यहाँ पे जो है ना एक जो है ना नॉर्मली कंप्लेंट किया जाता है, फिर ये कंप्लेंट जो है ना मजिस्ट्रेट के पास जाता है, मजिस्ट्रेट इसको चेक करती है, फिर उसके बाद जो है ना फिर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो है ना इस पर जो है ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई होती है। अगर पुलिस को जो है ना एक नॉर्मली जो है ना उनको जो है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए बता देती है ऑर्डर, अगर देने की रहती है अदरवाइज नहीं देने की रहती है तो ये जो है इसी तरह क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे जैसा कि देखा कि जो है ना 154 ऑफ सीआरपीसी में कॉग्निजन ऑफेंस के बारे में कहता है कि विदाउट मजिस्ट्रेट ऑफ परमिशन जो है ना यहाँ पे ये पुलिस जो है ना वो उसकी जो है ना पुलिस डायरी जो है ना केस डायरी होती है उसमें वो रजिस्टर्ड करती है, और ये विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट ये बिना खुद जो है ना इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे देखा नॉन कॉग्निजन ऑफेंस में 155 कहता है कि जब तक जो है ना इसमें मजिस्ट्रेट का परमिशन नहीं होगा तो ये जो है ना एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है, या फिर जो है ना जब तक ये उसकी केस डायरी में है उस केस डायरी में इसको जो है ना मेंशन नहीं कर सकती जो है। तो यहाँ पे स्पष्ट क्लियर हम लोग देखा यहाँ पे। ये कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट अंडर द कॉग्निशन ऑफेंस या केसेस इन ऑर्डर टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पुलिस ऑफिसर टू ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए जो है ना मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कॉग्निजन ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जो करना होता है तो ये विदाउट मजिस्ट्रेट का जो है ना यहाँ पे मजिस्ट्रेट का अर्थ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
तो यहाँ पे विदाउट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो है ना परमिट, जो है ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती है। लेकिन वही अंडर सेक्शन 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत जो है ना पुलिस को पावर है जो है ये विदाउट इन्वेस्टिगेशन, जो है ना विदाउट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का परमिशन से भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, कर सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जो ना कैटेगराइज वाइज देखा कि जो ना कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस में किस तरह का प्रोविजन है और दोनों में क्या डिफरेंसेज है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।